तो रसायन के अध्ययन में हम लोग क्लास 10 साइंस के बारे में तीसरा चैप्टर यानी अध्याय तीसरा धातु और अधातु से रिलेटेड चैप्टर के बारे में हम लोग अध्ययन कर पा रहे थे। और मित्रों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो अयस्कों का सांद्रण है वो भर्जन निस्तापन और ऑक्साइड अपचयन विधि से कैसे किया जाता है। मित्रों यदि आप हमारे चैनल पर रहे हैं तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से क्लास 10 की पूरी तैयारी कर सकते हैं साइंस की। मित्रों भर्जन क्या है, रोस्टिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज रोस्टिंग, भर्जन ये अयस्कों के सांद्रण की एक अच्छी विधि मानी जाती है। और जो भर्जन की क्रिया होती है मित्रों ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये वायु की उपस्थिति में कराया जाता है। किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में कराया जाता है। दरअसल सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे, हमने कहा मित्रों सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे वायु की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। हमने कहा मित्रों सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क हो यानी जो सांद्रित अयस्क हो उसके गलनांक के नीचे, यानी कि मित्रों इतना आपको गर्म करना है वो गलने ना पाए, जितने पर धातुएं वास्तव में गल जाती है ना उनके नीचे, इसलिए हमने कहा सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे वायु के उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। दरअसल भर्जन क्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त अयस्क होता है उन्हें भर्जित अयस्क कहा जाता है। हमने क्या कहा मित्रों, भर्जन क्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त अयस्क होता है उन्हें भर्जित अयस्क कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। जैसे अगर जिंक सल्फाइड अगर आपको सांद्रण करना हो वायु की उपस्थिति में तो आप कैसे करेंगे मित्रों, जो भर्जन क्रिया होती है एक भट्टी में कराई जाती है, तो जिंक सल्फाइड आप लेंगे वायु की उपस्थिति में आप गर्म करेंगे, राइट। जब वायु की उपस्थिति में आप गर्म करेंगे तो इनमें जो सल्फर की अशुद्धियां हैं वो वायु के साथ बाहर निकल जाएंगी, तो बनेगा क्या, सल्फर डाई ऑक्साइड गैस और जिंक ऑक्साइड बनेगा। बात समझ में आ रही है, क्या बनेगा मित्रों, जिंक ऑक्साइड बनेगा, यू आर राइट। तो मित्रों ये आप देख पा रहे हैं जिंक सल्फाइड क्रिया जब वायु की उपस्थिति में आप कराते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है और जो सल्फर की अशुद्धियाँ होती है वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं, राइट। तो इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। भर्जन क्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त अयस्क होता है भर्जित अयस्क कहलाता है। मित्रों ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। कई बार हमने देखा है बोर्ड जैसे एग्जामों में बहुकल्पी टाइप के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बहुकल्पी टाइप के प्रश्न कैसे पूछ लिए जाते हैं, जरा आप ध्यान दीजिए। उसमें सीधा सीधा प्रश्न करता है कि सीधा प्रश्न मित्रों पूछा जाता है, हमने देखा कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है कि ये जो भर्जित अयस्क है ये जो भर्जन की क्रिया है वायु की उपस्थिति में कराते हैं या अनुपस्थिति में। तो आपको ध्यान में रखना है ये जो क्रिया होती है वायु की उपस्थिति में, ये देखिए वायु की उपस्थिति में क्रिया कराई जा रही है। और कई बार मित्रों ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, राइट। इसके बाद आता है निस्तापन, कैल्सिनेशन, व्हाट इज कैल्सिनेशन, निस्तापन क्या है। सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे, इसमें भी वही क्रिया है, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे वायु की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। एक चीज ध्यान में रखना मित्रों, ये वायु की अनुपस्थिति होना चाहिए, वायु की अनुपस्थिति यहां पर आप लिखिएगा, वायु की अनुपस्थिति, राइट। ये वायु की उपस्थिति नहीं, वायु की उपस्थिति केवल भर्जन होता है, निस्तापन की जो क्रिया होती है सांद्रित अयस्क को उनके गलनांक के नीचे वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। दरअसल निस्तापन की क्रिया में किस प्रकार के अयस्क हम लोग लेते हैं, कार्बोनेट के जो अयस्क होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जिंक कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो इस प्रकार के अयस्क को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या बनता है मित्रों, जिंक ऑक्साइड बनता है और जो कार्बन की अशुद्धियाँ होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाता है। इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट को हमने गर्म किया उनके गलनांक के नीचे, तो आप देख पा रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कार्बन की अशुद्धि होता है वायु के साथ बाहर निकल जाता है। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से मित्रों ये निस्तापन क्रिया है, कैल्सिनेशन है। तो कैल्सिनेशन आप ध्यान देना, सांद्रित अयस्क को उनके गलनांक के नीचे वायु की उपस्थिति में गर्म करने क्रिया को निस्तापन कहते हैं, राइट। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है अगर बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। कई ऑप्शन देंगे, उनमें दो ऑप्शन और रहेंगे, जैसे मान लीजिए आपको ऑप्शन में दिया निस्तापन, भर्जन, प्रगलन,
राइट, और अयस्का ऑप्शन कई ऐसे ऑप्शन में दिए तो उनमें से क्रिया पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी क्रिया जो वायु की उपस्थिति में कराते हैं, तो भर्जन आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद आता है ऑक्साइडों का ऑप्शन करके हम लोग अयस्कों का सांद्रण कैसे करते हैं, तो ये आप विधि देख पा रहे हैं। अयस्क ऑक्साइड का ऑप्शन यानी अयस्क ऑक्साइड का ऑप्शन कैसे करते हैं, यह धातु ऑक्साइड अयस्क के, ध्यान दीजिए, यह धातु ऑक्साइड अयस्क के धातु में परिवर्तित करने की क्रिया है, प्रक्रिया है। यह धातु ऑक्साइड अयस्क के धातु में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। मित्रों ये जो विधि है आप देख पा रहे हैं, जो धातुओं की ऑक्साइड है जैसे जिंक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड में से आप धातु कैसे निकालेंगे, जैसे जिंक धातु है तो इस जिंक ऑक्साइड में से जिंक की धातु कैसे निकालेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड धातु है तो इसमें से मैग्नीशियम की धातु कैसे निकालेंगे, तो ये प्रक्रिया इस विधि में कराई जाती है। राइट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अयस्क ऑक्साइड का ऑप्शन, तो यह धातु ऑक्साइड अयस्क के धातु में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। इस विधि में धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है। मित्रों आप देख पा रहे हैं यह धातु ऑक्साइड अयस्क यानी धातु जो ऑक्साइड के अयस्क होते हैं, अयस्क के धातु में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। बात समझ में आ रही है, इस विधि में धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाए, यानी जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ना उन्हें कार्बन के साथ हीटेड किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो मित्रों ये क्लास टेंथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद मित्रों आपकी जो विधि आती है विद्युत अपघटनी विधि, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि मित्रों जो ECS श्रेणी है हमने बताया है इसी वीडियो में, सक्रियता श्रेणी में अगर धातुएं श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित हैं तो उन धातुओं का निष्कर्षण आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो धातु सक्रिय श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित होती हैं, हमने क्या कहा मित्रों, जो धातु सक्रिय श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित होती हैं वो आसानी से अपचयित नहीं हो पाते, इसलिए इन धातुओं को विद्युत अपघटनी विधि से निष्कर्षण किया जाता है। मित्रों देखिए फिर समझिए, हमने क्या कहा, जो धातु सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर, कहाँ सबसे ऊपर स्थित होती हैं वह आसानी से अपचयित नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन धातुओं को विद्युत अपघटनी विधि में निष्कर्षण कहते हैं। मित्रों सक्रियता श्रेणी में कुछ धातुएं जो होती हैं बहुत ऊपर स्थित होती हैं तो उन्हें आप आसानी से निष्कर्षित नहीं कर सकते, इसलिए आप उन्हें विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करेंगे। चलिए देख लेते हैं आखिर में क्या है विद्युत अपघटनी विधि। देखिए विधि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फिगर भी ड्रा किया गया है। यहाँ देखिए मित्रों लिखा क्या गया है, जिस धातु को पृथक करना होता है उस धातु के लवण विलयन में एनोड और कैथोड के उपस्थिति में विद्युत अपघटन कराते हैं, जिससे कैथोड पर धातुएं एवं एनोड पर धातुएं प्राप्त होती हैं। यानी अब जरा इस मित्रों को यहाँ पर जिस बच्चे से हमने लिखवाया थोड़ा मिस्टेक कर दिया है मित्रों, ये एनोड और कैथोड, राइट। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, उपस्थिति में विद्युत अपघटन कराते हैं जिससे कैथोड पर धातुएं एवं एनोड पर अधातुएं प्राप्त होती हैं। भाई धातुएं ऋणावेशित होती हैं तो इन पर धातुएं प्राप्त होंगी, और एनोड नेगेटिव होता है तो इस पर अधातुएं जाएंगी, एनोड धनावेशित होता है इसलिए इस पर अधातुएं जाएंगी। जरा ध्यान दीजिए, अब इस विधि जरा आपको हम समझाते हैं। एक मित्रों हमने पात्र लिया और पात्र में इलेक्ट्रोलाइट विलयन भरा होता है। इस विधि में अशुद्ध धातु की मोटी मोटी क्षण, अशुद्ध होती है मित्रों, ये देखिए ये थोड़ा मोटे में बना दीजिए ये, राइट। अशुद्ध धातु की मोटी मोटी क्षण एनोड के रूप में और शुद्ध धातु की पतली पतली क्षण ये कैथोड के रूप में, राइट। विद्युत अपघट के विलयन में लटकाकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो मित्रों होता क्या है आप जानते हैं, ये जो आप एनोड भाग देख पा रहे हैं ये अशुद्ध धातु की मोटी मोटी क्षण एनोड के रूप में हमने लटकाया था। तो दरअसल इसमें होता क्या है, ये एक सिंपल मेथड, सिंपल एक प्रक्रिया है मित्रों। दरअसल इसमें होता कुछ यूँ है कि भाई ये अशुद्ध धातु की मोटी मोटी क्षण एनोड के रूप में है तो इन पर कुछ
शुद्ध धातुएं भी तो होंगी, तो वो शुद्ध धातुएं निकलकर बिलियन में आएंगी और उसके बाद ये जाकर कैथोड धातु की छड़ पर जमा होते जाते हैं, राइट। इस विधि से आप कैथोड को पृथक कर लेंगे तो आप ये विद्युत अपघटनी विधि से इस प्रकार से शुद्ध धातुएं प्राप्त कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर देखिए एनोड की अशुद्ध धातु की छड़ होती है और कैथोड की शुद्ध धातु की छड़ होती है। और मित्रों एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, विद्युत अपघटनी विधि में 99.99% बिल्कुल शुद्ध प्योर धातु प्राप्त होता है। अगर मित्रों चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।